केस नंबर 70। लियाम, विल, जेम्स और माइक चारों दोस्त एक बार में पार्टी कर रहे थे। तभी वेटर कुछ स्नैक्स लेने के लिए बाहर जाता है। जब वेटर लौटता है तब लियान मरा हुआ दिखता है। वह तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन करता है। डिटेक्टिव मेहुल जब आता है तब तीनों घबराए हुए दिखते हैं। वह तीनों को पूछता है, जब लियाम की मौत हुई उस समय आप तीनों क्या कर रहे थे। वह तीनों को बारी बारी से पूछता है। सबसे पहले वह विल को पूछता है। विल कहता है, लियाम मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैं उसे नहीं मार सकता। बाद में जेम्स कहता है, मैं उस समय खिड़की के बाहर देख रहा था, मुझे नहीं पता। माइक कहता है, उस समय मैं अपनी बीबी के साथ फोन पे बात कर रहा था। अब आप बताएं कि इन तीनों में से लियाम का असली हत्यारा कौन है। लियाम का हत्यारा जेम्स है, क्योंकि जब वेटर आता है उस समय जेम्स इशारे करता रहता है और डिटेक्टिव मेहुल को बताता है कि वह उस समय खिड़की के बाहर देख रहा था, इसीलिए जेम्स ही हत्यारा है।